और ये हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल EGV में। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सिस्टम बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने किन किन कंपोनेंट का यूज़ किया हम ये भी देखेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जो कि 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है। यहाँ पर इस 12 वोल्ट को रेक्टिफायर के थ्रू हम DC में कन्वर्ट कर लेते हैं। चूँकि हमारा पूरा सर्किट 5 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर LM7805 रेगुलेटर यूज़ किया जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर हमने LM324 एंड ओप एम्प IC यूज़ किया जिसके अंदर 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं, जिनमें कि हमने 3 ओप एम्प यूज़ किए हैं और यहाँ का ओप एम्प एक फ्री है। इसमें हमने 3 प्रीसेट यूज किए हैं, जिसमें कि पहला प्रीसेट जो हमारा यूज होगा वो शॉर्ट सर्किट करंट को एडजस्ट करने के लिए यूज होगा, और दूसरा प्रीसेट जो हमारा यूज होगा वो ओवरलोड करंट को एडजस्ट करने के लिए यूज होगा। जो तीसरा प्रीसेट है हम उससे टाइम डिले एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमारा पूरा सर्किट ओवरलोड होगा वो कुछ टाइम बाद हम जो डिसाइड करेंगे यहाँ पर इस प्रीसेट की सहायता से, उतने टाइम बाद ही हमारा पूरा सर्किट ट्रिप कर जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं ये हमारा सिटी और एमीटर कहाँ पर यूज होता है। जो AC हम इनपुट दे रहे हैं उसका न्यूट्रल पॉइंट हम डायरेक्ट इस सॉकेट से और इन सारे लोड्स पर दे देते हैं, और जो हमारा फेस वायर है उसको डायरेक्ट हम एमिटर से होते हुए और इस सर्किट से होते हुए सिटी में जाते हुए और यहाँ पर हम इन तीनों लोड पर दे देते हैं, जिसमें कि ये स्विच हमारा पहले लोड को ऑपरेट करेगा और दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए। जो तीसरा हमारा लोड है उसको हम ये फैन रेगुलेटर से कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे कि हम धीरे धीरे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं उस लोड को। तो यहाँ पर हमारे जो वैल्यू मेंशन होगी वो एमीटर हमारे यहाँ पर डिनोट कर देगा। जैसे ही हमारा लोड इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो सिटी की वैल्यू चेंज होगी, जो इसका आउटपुट होगा वो AC में होगा, और उस आउटपुट को हम इस रेक्टिफायर के थ्रू DC में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस आउटपुट को हम यहाँ पर जो प्रीसेट लगे हुए हमारे शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड एडजस्ट के लिए, जैसे ही इन वैल्यू को एक्सीड करेगा तो हमारा ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट करंट जो ऑपरेशन होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि शॉर्ट सर्किट करंट ज़्यादा रहेगा ओवरलोड करंट से। जिस टाइम हमारा ओवरलोड सर्किट होगा तो उस टाइम के लिए हमारा ये टाइम डिले सर्किट उतने टाइम बाद एक्टिवेट होगा, उस टाइम के लिए सिर्फ हमारा बजर एक्टिवेट होगा। बजर जैसे कि हमारा 2 सेकंड के लिए बजर एक्टिवेट होता है, तो उसके अंदर अंदर अगर हम लोड कम कर देते हैं तो हमारा सर्किट नॉर्मल ऑपरेट करता रहता है। अगर हमारा लोड कम नहीं होता है तो हमारा सर्किट ओवरलोड इंडिकेशन के साथ साथ पूरा सर्किट ट्रिप कर देता है, और जैसे ही हम इन दोनों वायर को शॉर्ट करेंगे तो हमारे शॉर्ट सर्किट पूरा सर्किट को आइसोलेट कर देगा और हमारा सारा सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा मेन लाइन से। तो देखते हैं सारा सर्किट किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों हमारा पूरा सर्किट ऑन हो गया है, तो देखते हैं हम लोड ऑन कर ये पहला लोड ऑन किया, दूसरा लोड ऑन किया, तो हमारा यहाँ पर एम्पियर शो हो रहा है। हमने इस टाइम जो सेट की हुई वैल्यू 1.2 एम्पियर से, जैसे ही वैल्यू एक्सीड करेगी तो हमारा ओवरलोड डिटेक्ट करेगा। ये तीसरा लोड ऑन किया हमने, अब धीरे धीरे तीसरे लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ही 1.2 एम्पियर से ज़्यादा जाया तो यहाँ पर हमारा ओवरलोड डिडक्ट हो गया है। अगर ये ओवरलोड को हम कम कर देंगे टाइम रहते तो ये चलता रहेगा, अगर ओवरलोड ये 2 सेकंड बाद टाइम डिले है तो हमारा ट्रिप कर देगा, पूरा सर्किट हमारा शट डाउन हो गया है। इसको रीसेट करने के लिए हम दोबारा इस रीसेट स्विच को 1 सेकंड के लिए दबाएंगे, हमारा पूरा सर्किट ऑन है लेकिन ओवरलोड डिटेक्ट कर रहा है ये, तो कम कर देंगे। अगर हम दोबारा इसको ऑन रखते हैं तो दोबारा हमारा ओवरलोड डिटेक्ट हो जाएगा और ये हमारा पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। हम इस प्रीसेट की सहायता से इसका करंट एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सेट कर दिया है तो हमारी करंट की वैल्यू कम हो गई है। तो अभी ये ऑफ करते हैं और फिर दोबारा हम पूरा सर्किट रीसेट करते हैं और दोबारा लोड ऑन करते हैं, अभी ये वाला सर्किट ऑन। तो अभी हमारी जो वैल्यू हो गई है 0.9 पर हम एडजस्ट कर देते हैं 0.9, ये अभी 0.9 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो हमारा ये यहाँ पर ओवरलोड डिटेक्ट करने लगा है। जैसे ही 0.9 एम्पियर से ज़्यादा रहेगा, अगर ये रहता है तो 2 सेकंड का हमने टाइम डिले दिया है, तो 2 सेकंड बाद ही हमारा शट डाउन कर जाएगा पूरा सिस्टम। अगर इस टाइम डिले को हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब दोबारा हम रीसेट कर देखते हैं, पूरा सर्किट रीसेट कर दिया है। अभी जैसे ही ओवरलोड डिटेक्ट हो रहा है, अभी अगर ओवरलोड रहता है तो कुछ टाइम बाद हमारा पूरा सर्किट कट मार देगा, क्योंकि हमने टाइम इंक्रीज कर दिया है तो टाइम डिले थोड़ा टाइम से होगा, तो हमारा पूरा सर्किट ट्रिप कर गया है। अब देखते हैं
ये हमारा पूरा सर्किट शॉर्ट सर्किट पर कैसा काम करता है। मैं इन कैप्स को निकाल देता हूँ। यहाँ पर रिसेट कर दिया है और ये एक लोड हमने चला देते हैं और ये हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया है और पूरा सर्किट हमारा आइसोलेट हो गया है। रिसेट करने के लिए इसको 1 सेकंड दबाना पड़ेगा, फिर दोबारा हमारा सर्किट पूरा ऑन हो गया है। हम दोबारा शॉर्ट सर्किट करते हैं। जैसे ही शॉर्ट सर्किट करेंगे तो हमारी ये शॉर्ट सर्किट की LED ब्लिंक कर जाएगी और पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों, आपको प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको इसको बनाते हुए कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।